नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, यहाँ पे आप देखेंगे जीरो से अंग्रेजी बोलना और पढ़ना कैसे सीखें, यानी जीरो से अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सीखना है तो आपको छोटे छोटे पैराग्राफ के माध्यम से इंग्लिश में लिखे हुए शब्दों को हिंदी में कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों टी ए, तो यहाँ पर देखिए ए से क्या है, ए से अ है, तो टी ए है तो त हो जाएगा, एल ए, अब यहाँ पर क्या ल होगा कि ला होगा, ध्यान दीजिएगा, और बी से तो ब होगा ही होगा। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे तलब नहीं, यहाँ पे तालाब होगा, क्या होगा, तालाब। तो ये कैसे हुआ, ये डबल ए का, भले आ का डबल ए है लेकिन आ का दोस्त ए भी यूज किया जाता है, आपको पता है। बड़े ई का यहाँ पे भले डबल ई रहता है लेकिन आई भी यूज किया जाता है। यहाँ पे दोस्त बड़ा ऊ का भले ही डबल ओ है लेकिन यू भी यूज किया जाता है। तो इसी नियम के तहत यहाँ पे टी ए एल ए बी को हम लोग पढ़े तालाब। भी से व होता है, एल से ल होता है, तो एल ए है तो 100% कन्फर्म है कि ला ही होगा, लेकिन भी से व होगा कि वाह होगा, तो यहाँ पे वाला होगा, क्या होगा, वाला, तो वाह हो जाएगा, तालाब वाला। आर ए यानी र हो जाएगा, के एस एच से दोस्त छ होता है, ठीक ना, और एस से स होता है, तो यहाँ पर राक्षस होगा कि राक्षस होगा, तो आर ए का यूज रा के रूप में किया गया है, तो यहाँ पर तालाब वाला राक्षस, ये चीज लिखा हुआ है दोस्त। इस स्टोरी का नाम है तालाब वाला राक्षस, यानी एक ऐसा राक्षस जो तालाब में रहता है। तालाब में रहने वाले किस जीव को राक्षस बोला जाता है, ये चीज देखिए। ई के, ई से ए हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, ई से ए और के से का एक, बी ए आर, देखिए यहाँ ए है तो ए से आ हो जाएगा, क्योंकि बी ए आर को हम लोग बार पढ़ेंगे एक बार। के डबल ई, देखिए यहाँ पे डबल ई है तो बड़ी की मात्रा होगा, के आई रहता तो देखना पड़ता कि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा वाला की होगा कि छोटी की मात्रा वाला की होगा, लेकिन के डबल ई है तो कन्फर्म है कि बड़ी ई की मात्रा लगेगा, यानी एक बार की। बी ए यानी बात, टी से तो बात, एच ए आई, एच से ह और ए आई से ए है, एक बार की बात है। ई के यानी एक, जे ए एन, देखिए ए एन है तो ए एन से क्या हो गया, अन हो गया, यानी बिंदी लगेगा, तो जे से ज ऊपर बिंदी लग गया, जंग। जी ए यानी ग और एल से ल, जंगल। दोस्त, जब आप कोई बड़ा स्टोरी पढ़ते हैं या बड़े बड़े सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ता है कि उस सेंटेंस में जो शब्द यूज किया गया है, वर्ड यूज किया गया है, उस वर्ड में ए का यूज आ के रूप में हुआ होगा कि अ के रूप में होगा, वो कब होगा, जब सेंटेंस को मिलाकर पढ़ेंगे तब होगा। यहाँ पे लिखा है दोस्त एम ई आई एन, तो कहीं पर अगर ऐसे मिल जाए तो मे होगा, यानी म में एकले और ऊपर बिंदी, इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। किसका दोस्त, यहाँ पे मे का यूज किया जाता है, तो ये हो गया मे। फिर लिखा ई के यानी एक, एक बार की बात है एक जंगल में एक। टी ए यानी त, एल ए यानी ला, बी से तालाब था, एक जंगल में क्या था, एक तालाब था। जंगल क्या होगा दोस्त, जंगल। के ई के, एस ए यानी स, बी एच डबल ई यानी सभी, जंगल के सभी। जे ए यानी, देखिए यहाँ पे जे ए से ज भी होगा, जा भी होगा। एन ए यानी न भी होगा, ना भी होगा। भी ए यानी वह भी होगा और वाह भी होगा, पहले देख लीजिए। आर ओ है तो रो होगा ही, लास्ट में एन है तो बिंदी लगेगा, तो जानवरों तो नहीं होता, जानवरों होता है, क्या होता है, जानवरों का। एम ए यानी माँ, एन ए यानी न, एन ए यानी ना, मानना था। यहाँ पे देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो लास्ट में ए है तो आकार लगाएंगे ही लगाएंगे 100%। बीच में कन्फर्म होना पड़ता है शब्द को मिलाकर पढ़ने से कि आ लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, तो मानना था। अब देखिए के आई यहाँ पे है तो ए छोटी हो जाएगा, कि मानना था कि यू एस यानी उस, टी ए त, एल ए ला, बी से तालाब में, उस तालाब में, उस तालाब में
एक आर ए के एस एच ए एस यानी राक्षस जो कि ऊपर अभी हम लोग पढ़े हैं राक्षस आर ए र एच ए ह टी ए ता रहता एच ए आई यानी है उस तालाब में एक राक्षस रहता है ए यू आर और जे ओ जो बी एच डबल ई भी और जो भी उस तालाब में एक राक्षस रहता है और जो भी एस एच ए एम यानी शाम क्या हो जाएगा शाम के ई के शाम के बी ए डी बाद टी ए त एल एल आ विश्व तालाब पर पी ए पा एन डबल इन ई पानी पी डबल ई पी एन ई ने पीने जे ए टी ए जाता है उस तालाब पर जो भी पानी पीने जाता है राक्षस यहाँ पे क्या पढ़ेंगे राक्षस यू एन ए के ओ यानी उनको के एच ए यानी खा राक्षस उनको क्या करता है खा जे ए जा टी ए ता जाता है राक्षस उन्हें क्या करता है खा जाता है इस डी ए आर यानी डर क्या पढ़ेंगे डर के इस डर के के ए आर ए एन कारण के ओ को डबल ई यानी कोई इस डर के कारण कोई बी एच डबल ई यानी भी कोई भी जे ए जा एन ए न भी ए आर यानी जानवर एस एच ए एम शाम के बी ए डी यानी बाद इस डर के कारण कोई भी जानवर शाम के बाद टी ए एल ए बी तालाब के डबल ए यानी आ एस एस आस पी ए एस यानी पास आस पास भी एन ए एच आई एन नहीं जे ए टी ए जाता था इस डर के कारण शाम के बाद तालाब के आसपास कोई भी नहीं जाता था एक डी आई एन दिन एक दिन एक के एच ए आर ए यानी खर जी ओ गो एस एच सी खरगोश क्या लिखा है दोस्त खरगोश एक दिन एक खरगोश उस जे ए एन जी ए एल जंगल में एन ए न वाई ए नया एन ए वाई ए नया 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 डबल ए वाई ए आया नया नया आया एस एस बी एच डबल ई सभी जे ए एन ए भी ए आर जानवर यू एस ई उसे यह सभी जानवर उसे यह बी ए ब टी ए ता एन ए ना बताना बी एच डबल ओ एल भूल जी ए ई गए कि सभी जानवर उसे यह बताना भूल गए कि शाम के बी ए डी बाद शाम के बाद टी ए एल ए बी तालाब क्या पढ़ेंगे तालाब देखिए दोस्त एक ही वर्ड आपको कई बार मिल रहा है ना तो आप प्रैक्टिस करते हैं तो शब्द कभी भी मिलेगा इस टाइप के तो आसानी से उसको आप पढ़ देंगे तालाब की ओ आर यानी ओ से ओ आर से रहा और एन ए न एच आई एन यानी नहीं जे ए एन ए जाना है तालाब की ओर नहीं जाना है उस शाम को भी ए एच ए एन वहाँ उस टी ए एल ए बी तालाब में वहाँ उस तालाब में पी ए पा एन डबल इन ई पानी पी डबल ई पी एन ई ने पीने जी ए वाई ए गया तो यू एस ए एन ई उसने बी ए ब डी डबल ई बड़ी टी ई ते जे डबल ई तेजी से बड़ी तेजी से ए से अ पी ए से प एन डबल ई नी से नी अपनी ओर
बड़ी तेजी से अपनी ओर डबल ए आर टी ई ते आते एच यू हू इस ए हुए एक एम ए जी ए आर ए एम ए सी एच फिर सी डबल एच तो देखिए मगर एम ए जी ए आर मगर एम ए सी एच यानी एम ए से म फिर सी ए से आधा च और सी डबल एच यानी मगरमच्छ। दोस्त मिलाकर पढ़ना है, बड़े बड़े वर्ड को तोड़कर आप पढ़ सकते हैं, जैसे मगरमच्छ इस तरीके से मगरमच्छ को, मगरमच्छ को डी ई दे के एच ख देख एल आई वाई ए लिया, मगरमच्छ को खरगोश देख लिया, खरगोश खरगोश यह डी ई के एच ए के ए आर देख कर, खरगोश यह देख कर बी ए ब डी डबल ई बड़ी तेज से, बड़ी तेज से जे ए एन जी ए एल जंगल की टी ए आर ए पी एच यानी तरफ बी एच ए भाग जी ए वाई ए गया, बहुत तेजी से जंगल की ओर भाग गया और बच गया। तो कभी कभी इंसान अनजाने में कहीं फंस जाता है तो उसको ईश्वर अल्लाह उसके जो गॉड है जरूर बचा लेते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई हर आफत में फंस कर और मर ही जाए, जब तक उसको नहीं मरना रहता है तब तक उसको कोई नहीं मार सकता है, वो बच जाता है। तो दोस्त इस तरीके से आज की इस क्लास में बहुत सारे शब्दों को आप सीखे। अब आप प्रैक्टिस कीजिए, कहीं पर किसी के पास भी चैटिंग करें, ऐसे ही यूज कर कर के शब्द जो भी आपके मन में आता है, जैसे मान लीजिए आपके मन में आ गया कुछ भी, अगर अगले से पूछना है कि कल ऐसे तुम के वाई ओ एन ऐसे लिख रखे हो बी एच ए जी भाग जी ए वाई ए गए, कल तुम क्यों भाग गए, ठीक ना, तो वो उधर से क्या बोलेंगे कि एम यू जे एच ई मुझे एल ई टी लेट एच ओ हो आर ए एच ए रहा टी एच ए था, इस तरीके से वो लिख कर भेजेंगे। फिर आप इधर से बोलेंगे कि डबल ए पी आप एम यू जे एच ई मुझे बी ए टी ए वाई ए बताया के वाई ओ एन क्यों एन ए एच आई एन नहीं, आप मुझे बताया क्यों नहीं, बताए क्यों नहीं। फिर वो बोलेगा कि आप व्यस्त थे आप वी वाई ए एस टी व्यस्त टी एच ई, इस तरीके से कर कर के आप आसानी से चैटिंग कर सकते हैं। तो देखिए जो चीज़ भी मैं लिखा हूँ इन्हीं सब के सहायता से आपको भी करना होगा। तो इसका मूल जो है जड़ ये होता है, जिसको मैं इस क्लास में कई बार कई तरीकों से सिखाया हूँ और आगे भी बहुत सारे क्लासेज आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्त आज का यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्त आज की क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।